पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड जमात प्लस टू फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स पाठ तीजा शरीरक शिक्षा विच किते अते खेड अवार्ड। भूमिका शरीरक शिक्षा की पढ़ाई करन नाल खेडां खेडन अते खेडां सिखाउन नाल ना सिर्फ आनंद लिया जा सकता है बल्कि रुजगार भी प्राप्त किया जा सकता है अते वड़े वड़े इनाम जित के अपना अपने मापियां दा अपने राज दा ते पूरे देश दा नाम रोशन किया जा सकता है। इस पाठ विच आपां जानांगे कि शरीरक शिक्षा राही केड़े केड़े किते विच महारत हासिल की जा सकती है अते केड़े केड़े खेड अवार्ड हासिल किए जा सकते हैं। नोट पहले तीन पाठों नाल संबंधित वीडियोज़ चैनल दिनेश एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स की प्लेलिस्ट फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स विच उपलब्ध हैं जिन्हां विच छोटे वड्डे हर प्रश्न नूं बहुत ही विस्तार नाल समझाया गया है। इस वीडियो राही आपां नोट्स की मदद नाल सिर्फ बहुत छोटे उत्तरां वाले प्रश्नों का अध्ययन करांगे तां जो असी हर इम्तिहान चंगे अंकां नाल पास कर सकीए। छोटे उत्तरां वाले प्रश्न ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। प्रश्न नंबर एक शरीरक शिक्षा की भारत विच होंद कदों हुई। उत्तर 1920 ईस्वी तो। प्रश्न नंबर दो जदों अंग्रेज वड्डी गिनती विच भारत आए तो उन्होंने अपने बच्चों को शिक्षा देने लई किहो जिहे स्कूल खोले। उत्तर अंग्रेज खेडां दे बड़े शौकीन सन अते उन्होंने ही पहली बार क्रिकेट फुटबॉल जिमनास्टिक हाकी आदि खेडां नूं भारत विच पेश कीता अते अपने बच्चों नूं पढ़ाउण वास्ते अंग्रेजी स्कूलों की स्थापना की। प्रश्न नंबर तीन बीपीएड का कोर्स किन्ने सालों का है। उत्तर बीए तो बाद दो साल का प्लस टू तो बाद चार साल का। प्रश्न नंबर चार एन एस एन आई एस का पूरा नाम की है। उत्तर एन एस एन आई एस तो भाव है नेताजी सुभाष नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेड संस्थान। प्रश्न नंबर पांच वाई एम सी ए कॉलेज नूं किस साल विच स्थापित किया गया सी। उत्तर 1920 विच। प्रश्न नंबर छे इंडियन ओलंपिक किस साल बनाई गई सी। उत्तर 1927 विच। प्रश्न नंबर सत्त मद्रास विच शरीरक शिक्षा दे योगदान विच प्रमुख संस्था दा नाम दसो। उत्तर वाई एम सी ए। प्रश्न नंबर आठ स्कूली पद्धर ते अध्यापक दी की योग्यता होनी चाहिदी है। उत्तर डी पी एड जा बी पी एड जां एमपीएड। प्रश्न नंबर नौ कॉलेज अध्यापकां दी की योग्यता होनी चाहिदी है। उत्तर एमपीएड अते यूजीसी नेट जां पीएचडी। प्रश्न नंबर दस किस साल विच राजीव गांधी खेड रत्न अवार्ड शुरू किया गया सी। उत्तर 1991 विच। प्रश्न नंबर 11 राजीव गांधी खेड रत्न अवार्ड विच दित्ती जाण वाली नगद राशि की हुंदी है भाव किन्नी हुंदी है। उत्तर 7.5 लाख रुपए। प्रश्न नंबर 12 सब तो पहला राजीव गांधी खेड रत्न अवार्ड किस पुरश ते किस महिला नूं मिलिया सी। उत्तर विश्वनाथन आनंद नूं 1992-93 विच अते करनम
मलेश्वरी नूं 1995-96। प्रश्न नंबर 13, नाडा दा पूरा नाम की है? उत्तर, नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी। प्रश्न नंबर 14, वाडा दा पूरा नाम की है? उत्तर, वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी। प्रश्न नंबर 15, साल 2018 विच एथलेटिक्स विच अर्जुन अवार्ड पुरस्कार किसने प्राप्त किया सी? उत्तर, नीरज चोपड़ा, सूबेदार जिनसन जॉनसन अते हिमा दास ने। प्रश्न नंबर 16, शरीरक शिक्षा विच मास्टर डिग्री दी म्याद किन्नी हुंदी है? उत्तर, 2 साल। प्रश्न नंबर 17, कोचां दे योगदान लई केड़ा पुरस्कार दिता जांदा है? उत्तर, द्रोणाचार्य अवार्ड। प्रश्न नंबर 18, किस साल विच अथॉरिटी शब्द नूं स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया विचों हटा दिता गया सी? उत्तर, 2018 विच। प्रश्न नंबर 19, भारत विच खिडारी नूं दित्ते जाण वाले खेड अवार्ड दा की नाम है? उत्तर, अर्जुन अवार्ड। प्रश्न नंबर 20, सन 1961 विच अर्जुन अवार्ड एथलेटिक्स विच किस नूं मिलिया सी? उत्तर, गुरबचन सिंह रंधावा। प्रश्न नंबर 21, शरीरक शिक्षा विच 12वीं तों बाद बैचलर डिग्री दी म्याद किन्नी हुंदी है? उत्तर, 4 साल। प्रश्न नंबर 22, शरीरक शिक्षा विच डीपीएड किन्ने साल दी हुंदी है? उत्तर, 2 साल दी। प्रश्न नंबर 23, खेड अवार्ड हर साल किस तारीख ते वंडे जांदे हन ते किथे? उत्तर, खेड अवार्ड खेड दिवस 29 अगस्त नूं राष्ट्रपति भवन विच वंडे जांदे हन। प्रश्न नंबर 24, राष्ट्रीय खेड दिवस किस महान खिडारी दे जन्मदिन दे रूप विच मनाया जांदा है? उत्तर, मेजर ध्यान चंद जी दे। प्रश्न नंबर 25, विराट कोहली नूं किस साल राजीव गांधी खेड पुरस्कार मिलिया सी? उत्तर, 2018 विच। प्रश्न नंबर 26, पंजाब राज दा सब तों वड्डा खेड अवार्ड केड़ा है? उत्तर, महाराजा रणजीत सिंह अवार्ड। प्रश्न नंबर 27, मौलाना अबुल कलाम आजाद अवार्ड किस नूं दिता जांदा है? उत्तर, खेड विच सर्वोत्तम प्रदर्शन करन वाली यूनिवर्सिटी नूं। प्रश्न नंबर 28, मौलाना अबुल कलाम आजाद अवार्ड दी इनामी रकम किन्नी है? उत्तर, 10 लाख रुपए। प्रश्न नंबर 29, माका दा पूरा नाम की है? उत्तर, मौलाना अबुल कलाम आजाद। प्रश्न नंबर 30, साई दा बदलिया नाम दसो? उत्तर, एस आई भाव स्पोर्ट्स इंडिया। प्रश्न नंबर 31, एल एन आई पी ई तो की भाव है? उत्तर, एल एन आई पी ई तो भाव है लक्ष्मीबाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन। प्रश्न नंबर 24, किस खिडारी नूं दो खेडां स्नूकर अते बिलियर्ड्स लई राजीव गांधी खेड रत्न पुरस्कार मिलिया है? उत्तर, पंकज अडवाणी नूं। प्यारे विद्यार्थियो, हुण असीं जाणांगे शरीरक शिक्षा दे कोर्स, योग खेत्र विच कोर्स अते खेड सिखलाई दे खेत्र विच कोर्स किहड़े-किहड़े हन, कोर्सां दी योग्यता की है, समा अवधि किन्नी है अते रुजगार नाल संबंधित
किता की होवेगा। शरीरक सिक्ख्या दे कोर्स, लड़ी नंबर, कोर्स दा नां, कोर्स दी योग्यता, समा, पेशे जां किते वजो। नंबर एक, डीपीएड, बारहवीं श्रेणी पास, समा 2 साल, पीटीआई मिडल स्कूल। नंबर दो, बीपीएड, इंटीग्रेटेड कोर्स, कोर्स की योग्यता है बारहवीं श्रेणी पास, समा 4 साल, डीपीई दी असामी हाई अते सीनियर सेकेंडरी स्कूल विच। नंबर तीन, बीपीएड डिप्लोमा, इसलिए जिहड़ी योग्यता चाहिए है वह है बीए जां बीए दे बराबर दी डिग्री, समा है 2 साल, पेशे दे रूप दे विच देखिए तां डीपीई हाई अते सीनियर सेकेंडरी स्कूल विच। नंबर चार, एमपीएड, इहदे लई योग्यता की चाहिए है बीपीएड, चाहे वह बीपीएड इंटीग्रेटेड कोर्स राही होवे चाहे बीपीएड डिप्लोमा होवे, समा है 2 साल, बन की सकते हाँ लैक्चरार सीनियर सेकेंडरी स्कूल अते कॉलेज विच। अगला कोर्स है एमफिल, इहदे लई योग्यता की चाहिए है एमपीएड, किन्ने समय का है 1 साल का, की बन सकते हाँ लैक्चरार बन सकते हाँ कॉलेज विच जां यूनिवर्सिटी विच। लड़ी नंबर 6, पीएचडी, इहदे लई केड़ी केड़ी योग्यता है, एमपीएड होवे जां एमफिल कीती होवे, इहदा जिहड़ा समा हैगा वह 3 साल तो 5 साल तक का है, लग की सकते हाँ लैक्चरार लग सकते हाँ कॉलेज विच जां यूनिवर्सिटी विच। प्यारे विद्यार्थियों, लड़ी नंबर 7, डी लिट, ये डी लिट करने लई की योग्यता चाहिए है पीएचडी, समा कितना होंदा है 2 साल का, ये भी आपां कॉलेज अते यूनिवर्सिटी दे विच जॉब प्राप्त कर सकते हाँ। लड़ी नंबर 7, डी लिट, ये योग्यता की चाहिए है पीएचडी, समा है इसका 2 साल, लग की सकते हाँ असी प्रोफेसर लग सकते हाँ लैक्चरार लग सकते हाँ कॉलेज विच भी यूनिवर्सिटी विच भी। योग दे खेत्र विच कोर्स, लड़ी नंबर, कोर्स का नाम, कोर्स लई योग्यता, समा, पेशे जां किते वजों की कुछ बन सकते हाँ। लड़ी नंबर 1, सर्टिफिकेट कोर्स इन योग, इहदे लई योग्यता की चाहिए है बारहवीं श्रेणी पास, समा कितना हैगा कोर्स का 40 दिन, पेशे दे रूप दे विच आपां योग इंस्ट्रक्टर बन सकते हाँ। लड़ी नंबर 2, बैचलर ऑफ योग, योग्यता की चाहिए है बारहवीं श्रेणी जां इस दे बराबर दी योग्यता, समा 3 साल दा, की लग सकते हाँ स्कूल अध्यापक। लड़ी नंबर 3, डिप्लोमा इन योग, इहदे लई योग्यता की चाहिए है बीए जां इस दे बराबर दी योग्यता, समा 2 साल, की लग सकते हाँ की बन सकते हाँ स्कूल अध्यापक। लड़ी नंबर 4, एमएससी इन योग साइंस, इसलिए योग्यता की चाहिए है ग्रेजुएशन इन योग, समा 2 साल, असी कॉलेज जां यूनिवर्सिटी दे विच लैक्चरार दी पोस्ट ते लग सकते हाँ। खेड सिखलाई दे खेत्र विच कोर्स, लड़ी नंबर, कोर्स का नाम, कोर्स लई योग्यता, समा, पेशे किते वजों।
लड़ी नंबर एक सर्टिफिकेट कोर्स इन स्पोर्ट्स, योग्यता की चाहिए है 12वीं श्रेणी पास, समा किन्ना 6 हफ्ते, काम की कर सकते हैं पार्ट टाइम कोचिंग इंस्ट्रक्टर। नंबर दो एडवांस सर्टिफिकेट कोर्स इन कोचिंग, योग्यता की चाहिए है 12वीं श्रेणी पास, समा 6 महीने, पार्ट टाइम कोचिंग इंस्ट्रक्टर। नंबर तीन डिप्लोमा इन स्पोर्ट्स कोचिंग, इहदे लई की योग्यता चाहिए है बीपीएड जां बीए, समा किन्ना है 1 साल का। ब्लाक पद्धर तो नैशनल पद्धर तक कोचिंग दे सकते हाँ। लड़ी नंबर चार मास्टर डिग्री इन स्पोर्ट्स कोचिंग, योग्यता की चाहिए है ग्रेजुएशन समेत डिप्लोमा इन स्पोर्ट्स कोचिंग, समा किन्ना हैगा जी 2 साल। संबंधित खेड विच कोचिंग दे सकते हाँ खेड माहर दे तौर ते। दोस्तों फिजिकल एजुकेशन तो इलावा तुसी इस चैनल ते इंग्लिश हिस्ट्री एनवायरनमेंट समाज सेवा कोरोना केयर आदि अनेक टॉपिक्स ते वीडियो वेख सकते हो। चैनल नू सबसक्राइब करन ते धन्यवाद। यूट्यूब दी सर्च बार दे विच आपां दिनेश एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स लिखना है, साडे कोलों एक नवा पेज आ जाएगा, उन्दे उपरले पासे लिखा हुआ है दिनेश एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स, ते हेठां ऑप्शन दिती है सबसक्राइब दी, तुसी डायरेक्ट इत्थों भी सबसक्राइब कर सकते हो। जेकर कोई वीडियो देख रहे हो जिवें कि आपां चैनल खोल लिया ते आपां कोई वीडियो देख रहे हाँ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਵੀਡੀਓ ਚੱਲੇਗੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਆਪਸ਼ਨਸ ਆਣਗੀਆਂ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਸ਼ਨਸ ਆ ਗਈਆਂ ਇੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਫੋਟੋ ਲੱਗੀ ਹੈ ਹੇਠਾਂ ਦਿਨੇਸ਼ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਸਪੋਰਟਸ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਦਾ ਬਟਨ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਦਾ ਬਟਨ ਨੱਪ ਲੈਣਾ ਇਸ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 3 ਆਪਸ਼ਨਸ ਆਣਗੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੱਪਾਂਗੇ ਤਾਂ 3 ਆਪਸ਼ਨਸ ਆਣਗੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਆਲ, ਤਾਂ ਆਲ ਦੀ ਆਪਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਲੱਗ ਜਾਇਆ ਕਰੇ। ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।